कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि दो सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो हम वर्ब किसको देख के लगाएंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा सेंटेंस, अभी मैं अच्छे से करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। कभी कभी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गया और एक सिंगुलर आ गया और एक प्लूरल आ गया। जैसे मैंने लिखा राम, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज और आर रेडी टू वर्क। राम और उसके दोस्त दोनों रेडी है काम करने के लिए। अब राम क्या है? राम सिंगुलर है और फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि राम तो सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है, तो अगर हम फ्रेंड्स को देखते हैं, उसके दोस्तों को देखते हैं, तो आर लगना चाहिए, अगर राम को देखते हैं तो इज लगना चाहिए। तो जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, अलॉन्ग विद से जुड़ा हो, तो उस केस में हम किसको देखते हैं? पहला वाला सब्जेक्ट, इस पहला वाला को राम, और राम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे इज, क्योंकि ना इस सेंटेंस में राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। राम अपने दोस्तों के साथ काम को करने के लिए रेडी है। राम, राम कैसे? अपने दोस्तों के साथ। तो मेन सब्जेक्ट इज राम और राम सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे। हो सकता है कि मेन सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, जैसे द टीचर्स विद द प्रिंसिपल, द टीचर्स विद द प्रिंसिपल वॉज या वर प्रेजेंट। टीचर प्रिंसिपल के साथ प्रेजेंट थे। अगर प्रिंसिपल सिंगुलर है, प्रिंसिपल को देखते हैं तो वॉज लगेगा, टीचर्स को देखते हैं तो वर लगेगा। तो सेंटेंस जब भी विथ के साथ जुड़ा हो, टीचर्स प्रिंसिपल के साथ, मेन सब्जेक्ट यहाँ टीचर्स है, प्लूरल है, वर लगाओ, वर वर वर, यहाँ सिंगुलर था तो सिंगुलर लगाएंगे।